Students, this is the part 4 of the video of first chapter of our civics book, that is what is democracy and why democracy. Students, last video में हमने बाकी का part किया chapter में, अब ये इस chapter की last video है जिसमें हम इस chapter का last part करेंगे, broader meaning of the democracy. तो चलिए students शुरू करते हैं. Student, now this is the last topic of this chapter, broader meaning of the democracy. अब स्टूडेंट हम देखेंगे ब्रॉडर मीनिंग क्या है डेमोक्रेसी का. हमने पहले डेमोक्रेसी को अच्छे से पढ़ा, उसके फीचर्स पढ़े, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स पढ़े अगेंस्ट में और फॉर डेमोक्रेसी. अब हम देखेंगे कि ब्रॉडर मीनिंग क्या है. तो स्टूडेंट यहाँ पर एक सिमिलर सी डेफिनेशन लिखी हुई है. अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज वन इन विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू लेजिस्लेचर. अब स्टूडेंट बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन है कि लोग जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद ही सिलेक्ट करते हैं, वही इसका मीनिंग है. The representative will form the government and govern them. अब जो representative हैं वो government बनाते हैं और उनको govern करते हैं या lead करते हैं. अब student, in the end of this chapter हम difference करेंगे democratic government के बारे में और dictatorship government के बारे में. तो चलिए students शुरू करते हैं. Power lies in hands of people. Democratic government में student जो power होती है वो लोगों के हाथ में ही होती है, क्योंकि वो अपने representative को खुद select करते हैं और उनके जो select किए गए representative ही government बनाते हैं. And in dictatorship, power lies in hands of an individual. अब जो power होती है वो किसी एक individual के हाथ में होती है, चाहे वो उस country का king हो या queen हो या कोई भी एक single person हो सकता है. एंड इन डेमोक्रेसी पीपल हैज़ अ राइट टू चूज़ द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन. अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट करते हैं. एंड इन डिक्टेटरशिप पीपल डू नॉट हैव राइट टू चूज़ द गवर्नमेंट. अब डिक्टेटरशिप में स्टूडेंट्स जो लोगों के पास राइट नहीं होता अपने जो है रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करने का. एंड इन डेमोक्रेसी थर्ड पॉइंट इज पीपल इंजॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इम्प्रेशन. अब स्टूडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों को फ्रीडम होती है स्पीच की और इम्प्रेशन की, कि वो अपने विचार रख सकते हैं, अपने जो भी उनका मन चाहे वो बोल सकते हैं. एंड इन डिक्टेटरशिप पीपल डू नॉट हैव एनी राइट्स. अब वहाँ पर लोगों को राइट्स नहीं होते, जो वहाँ के डिक्टेटर होते हैं जो इंडिविजुअल है वही डिसाइड करते हैं कि लोगों के लिए क्या राइट्स हैं, और हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रेस फ्रीडम भी नहीं होती. एंड इन डिक्टेटरशिप फोर्थ पॉइंट इज ऑल सिटीजन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. ये हमने पहले ही बात कर चुके हैं स्टूडेंट्स हम, कि जो सभी सिटीजन कंट्री के वो इक्वल होते हैं लॉ के लिए, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. एंड इन डिक्टेटरशिप देयर इज नो इक्वालिटी. अब डिक्टेटरशिप में हमें इक्वालिटी देखने को नहीं मिलती. एंड द लास्ट पॉइंट इन द डेमोक्रेसी पॉलिसी आर मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल. अब जो स्टूडेंट यहाँ पर पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो लोगों के वेलफेयर के लिए बनाई जाती हैं, और वो उस कंट्री के हर सिटीजन को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, उनके जो हैं बेनिफिट्स के लिए बनाई जाती हैं. एंड इन द डिक्टेटरशिप पॉलिसी आर मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ एन इंडिविजुअल. अब जो यहाँ पर पॉलिसीज बनाई जाती हैं स्टूडेंट वो इंडिविजुअल जो है, जो वहाँ का किंग है या डिक्टेटर है, वो अपने हिसाब से बनाते हैं, और वो जो पॉलिसीज होती हैं वो बेनिफिट देती हैं उन इंडिविजुअल्स को जो उस कंट्री को रूल कर रहे हैं. तो स्टूडेंट ये थे ब्रॉडर मीनिंग. अब आप समझ ही गए होंगे कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें बहुत सारी कमियां तो हैं, बट फिर भी वो दूसरी टाइप की गवर्नमेंट से काफ़ी अच्छी है. तो स्टूडेंट ये था हमारा चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी. तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है. स्टूडेंट्स आई होप कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझा होगा और थोरोली बुक में से पढ़ा भी होगा. तो स्टूडेंट मैं इस चैप्टर को एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा. स्टूडेंट सबसे पहले जब हमने इस चैप्टर को शुरू किया तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक था वो था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. इस टॉपिक में हमने डेफिनेशन देखी डेमोक्रेसी की और समझा कि डेमोक्रेसी क्या है. फिर हमने डेमोक्रेटिक जो वर्ड है उसका मतलब समझा और हमने जाना कि एक ग्रीक वर्ड है. उसके बाद नंबर सेकेंड जो टॉपिक था इस चैप्टर का वो था फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी. हमने डिफरेंट फीचर्स देखे डेमोक्रेसी के, जिसमें नंबर वन था मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, जिसमें हमने पाकिस्तान का एग्जांपल देखा. उसके बाद नंबर टू फीचर था फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, जिसमें हमने दो एग्जांपल देखे चाइना एंड मैक्सिको. उसके बाद नंबर थ्री था वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू, और उसके बाद लास्ट वन था रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. ये जो था लास्ट फीचर था डेमोक्रेसी का, जिसमें हमने जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा. और उसके बाद जो थर्ड टॉपिक था इस चैप्टर का वो था व्हाई इज डेमोक्रेसी, जिसमें हमने दो आर्ग्यूमेंट्स पढ़े. नंबर वन था आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड नंबर टू था आर्ग्यूमेंट्स फॉर द डेमोक्रेसी, जिसमें हमने डेमोक्रेसी के खिलाफ कुछ आर्ग्यूमेंट देखे और डेमोक्रेसी के
लिए हमने कुछ आर्ग्यूमेंट्स को जो है डिस्कस किया, और फिर हमने इन द लास्ट जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया वो हमने किया ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। इसमें हम कह सकते हैं हमने वही सेम डेफिनेशन को एक दूसरे टाइप से पढ़ा, और उसके बाद हमने डिफरेंस किया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एंड डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में। तो स्टूडेंट ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 सिविक्स का, हमारे चैप्टर का। तो स्टूडेंट अब मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपनी नोटबुक में अपने सुजेशंस लिखें कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कैसे और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, या फिर अगर स्टूडेंट आपको लगता है कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को और बेटर नहीं कर सकते, या फिर आपको लगता है कि कोई और अच्छी गवर्नमेंट का टाइप हो सकता है जैसे डिक्टेटरशिप या मोनार्ची, तो आप उसके बारे में अपनी नोटबुक में सुजेशंस लिखें। तो स्टूडेंट ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स स्टे होम स्टे सेफ।